बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज के ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। ये सुबह ही है, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है और ये है सैटरडे वाला दिन, क्योंकि मेट्रो और बिन हाशिम ये इम्तियाज़ जो भी हैं फ्राइडेज़ को संडेज़ को बंद हो रहे थे, लेकिन अब नई अनाउंसमेंट आई है कि अब फ्राइडे को भी ओपन होंगे। तो हुआ हमारे साथ कुछ यूँ कि हम फ्राइडे को जो है वो मेट्रो चले गए थे और मेट्रो चले गए थे और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का गेट बिल्कुल था बंद। और उसके बाद हम वापस आए, फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि आज फ्राइडे है। हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि आज फ्राइडे है और हम फ्राइडे को मेट्रो पहुँच गए। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट डे आएंगे। और उसके बाद हम वापस चले गए और उसके बाद आज हम आए हैं सैटरडे वाले दिन। तो हमने जो है टाइम ज़ाया नहीं किया, हमने सोचा कि बस अब जल्दी से जो है पहुँच जाते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए, वरना जो है फिर रश बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा क्राउड है। अच्छा, तो खैर मेट्रो की तरफ बढ़ते बढ़ते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बहुत आप लोगों को अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आप लोगों को बताना चाहती हूँ, दरअसल पाकिस्तानी व्लॉगर इन कराची, मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं कराची में ही रहती हूँ और यहीं के व्लॉग बनाती हूँ। और अगर कराची से बाहर कभी गई तो वहाँ की भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से सिर्फ इतना होता है कि आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने से और सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है और बेल आइकन प्रेस करने से आपको जो पता लग जाता है जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता लग जाएगा और आपको मेरे चैनल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जिसने नहीं किया वह ज़रूर अभी कर दें जल्दी से। खैर जनाब, बैक टू व्लॉग। अब हम जा रहे हैं मेट्रो में अंदर। मुझे मेट्रो जो है बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जाना बहुत सुकून का एहसास होता है, क्योंकि स्पेशियस है ऑब्वियसली, वरना आप कहीं जाओ तो बहुत एक तो क्राउड होता है, फिर कंजस्टेड होता है। तो मेट्रो में एक चीज़ अच्छी ये होती है कि जब आपको कम चीज़ें लेनी हो, ज़्यादा चीज़ें लेनी हो, या अगर आपको फैमिली के साथ जाना हो, बच्चों के साथ स्पेशली जाना हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ आ जाऊँ। खैर जनाब, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और डील्स आई हुई होती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बाहर एसी जो है वो डील में लगे हुए हैं। और ये तो हमारे जो ज़रूरी जिस कहते हैं ना कि रूटीन की ड्रिल हो चुकी है, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना, मास्क वेयर करना, सैनिटाइज करवाना। तो खैर जनाब, हम ये हो गए हैं एंटर और हम लेंगे अब ट्रॉली। बेसिकली बच्चों को चाहिए थी कुछ स्टेशनरी, नए जगह हम मूव हुए हैं नए घर में, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं उनको पता है, लेकिन जो न्यू हैं, थैंक यू सो मच आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं। और आप लोग को बता दूं कि मैं अपना एक नए घर में मूव हुई हूँ और नए घर में मूव होने के बाद बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा ये हो रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उनको मतलब बिज़ी करने के लिए या उनको समझें कि एक तरफ फोकस करने के लिए मैंने जो है ना और हस्बैंड ने प्लान बनाया कि इनको ले जाके कुछ दिलाते हैं, ताकि इनका थोड़ा सा ये होता है ना कि समटाइम पुरानी चीज़ों से बच्चे फैट अप हो जाते हैं, तो वह कुछ नई चीज़ उनको दिला दो तो कुछ नया इंटरेस्ट उनका डेवलप कर दो तो वो ना बिज़ी हो जाते हैं। वरना तो यही था कि दोनों बच्चे जो थे मोबाइल लेके लेटे हुए थे, क्योंकि मैं अपनी पैकिंग अनपैकिंग में बिज़ी थी और मेरा मोबाइल इन के पास होता था। मैं खुद परेशान हो गई थी कि यार मेरा मोबाइल मुझे मिल ही नहीं रहा है, लेकिन मेरे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत हेल्प कराई है पैकिंग में और अनपैकिंग में, बहुत बहुत हेल्प कराई है। और मतलब यकीन करें, इतना माशाल्लाह से औलाद जो होती है ना वो बहुत बड़ा अल्लाह का समझें कि करम और एहसान और नेमत होती है। और इतना मुझे सहारा हुआ बच्चों से, इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प कराई है। मैं थक के बैठ जाती थी तो पानी पिलाना और सब करना इनकी ज़िम्मेदारी होती थी, टांगे दबा रहे होते थे मेरी कि अम्मा अब थक गई हैं, आज हम टांगे दबा दें, कभी बाबा की टांगे दबा रहे हैं, कभी अम्मा की, तो कभी जो है दादी की। तो सबके साथ बड़ी हेल्पफुल बच्चे रहे, तीनों को हमारे बड़ा संभाला बच्चों ने। मैं तो यही कह रही थी कि एक दिन मैंने सोचा ना कि बच्चों को जो है नानों के घर भेज देती हूँ पैकिंग में, लेकिन फिर हस्बैंड कहने लगे यार इनसे बड़ा सहारा, इन्होंने बड़ी जो है ना ख्याल रखा हुआ है हमारा, अगर पानी पीने की हिम्मत ना हो तो पानी तो पिला देते हैं ना। मैंने कहा हाँ चलें, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो चलें छोड़ें इनको नानी के, नहीं भेजते और साथ ही रखते हैं, और जो है हमें छोटी छोटी चीज़ें उठाने में, रखने में, पैकिंग करने में, अनपैकिंग करने में बच्चों ने बड़ी हेल्प कराई। तो भाई बच्चे अब डिज़र्व करते हैं कि उनको कुछ दिलाया भी जाए। तो खैर, तो पहले अजान कह रहा था, अजान मेरा बेटा है तो वो कह रहा था कि मुझे जो है आप लोग बॉल दिला दें, सॉकर बॉल मुझे चाहिए। तो हम लोग सॉकर बॉल की तलाश में निकले। अच्छा, सॉकर बॉल जो है वो अब उसकी एक कॉस्ट अच्छी क्वालिटी की है, जो सही सॉकर बॉल होती है ना वो 900 या 1000 की हो चुकी है। तो जो है हस्बैंड मेरे कहने लगे कि यार शायद यहाँ पे ना महंगी मिल रही है, तो हम कहीं और जाके देखते हैं ना। मैंने कहा ठीक है, आप स्पोर्ट्स की शॉप पे देख लेना, अगर वहाँ पे आपको मुनासिब मिल जाए तो ठीक है।
उसके बाद जो है ना हम लोग फिर यहाँ से निकले और कहीं और गए, लेकिन वो रास्ते में ही अजान का प्लान चेंज हो गया कि मैं मुझे सॉकोबॉल नहीं चाहिए, मुझे अब आर्ट्स का सामान दिला दे स्टेशनरी पे, क्योंकि दुआ को पेंटिंग वगैरह का सामान लेना था मेरी बेटी को, गर्ल्स का वैसे भी पेंटिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट बहुत होता है। लेकिन मैंने कहा बेटा सॉकोबॉल में तो मैं दिलाऊँगी, तुम ज़रूर लेना, क्योंकि थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। खैर जनाब, फिर हम जो है ढूंढते रहे, देखते रहे, स्टेशनरी सेक्शन में गए। स्टेशनरी सेक्शन में जो है काफ़ी था अच्छा कलेक्शन, मतलब अगर आप बल्क में लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल रेकमेंड मेट्रो के आप लोग ज़रूर आएँ और ज़रूर लें। लेकिन इफ़ इट्स लाइक काफ़ी था, कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन जो कहते हैं ना कि प्रॉपर जो जैसे प्रोफेशनल वाली जो पेंटिंग्स होती हैं, पेंट्स होते हैं या कुछ, वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल बच्चों की स्टेशनरी थी यहाँ पे अवेलेबल, प्लेरोज थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन ज़ाहिर है हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें, कैनवासेस वगैरह इस तरह की चीज़ें बच्चों को दिलानी थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम प्रॉपर जो है स्टेशनरी, किसी अच्छी स्टेशनरी चले जाते हैं। तो फिर काफ़ी देर बच्चे देखते रहे, लेकिन उन्हें जो चीज़ वो चाहिए थी, उनको पेंट्स जो थे वो ट्यूब्स में चाहिए थे, वो भी बड़े बड़े से ना, यहाँ पे थे ट्यूब में पेंट्स लेकिन बहुत छोटे से साइज़ के थे। तो वो बच्चे जो है ना, बस आपको पता है कि उनकी चीज़ होती है ना कि हमें यही चीज़ चाहिए, माइंड बना के जाते हैं, तो फिर वही देख रहे होते हैं, वो नहीं मिलता तो कहते हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं हमें तो वही चाहिए था। और मुझे तो इतनी मज़े की लग रही थी सारी चीज़ें, मैं कह रही थी कि यार तुम लोग को नहीं लेना ना लो, मैं ले लेती हूँ। अच्छा, और उसके बाद क्या ये डिसाइड करके ना, बाबा हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा ना, हम कहीं और चलते हैं। फिर जब वो गेट पे पहुँचे तो गेट पे जाके भी कहने लगे कि नहीं बाबा हमें जो है कुछ तो दिला दे। हाँ मैं तुम लोग अब तुम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया तो अब तुम लोग अपने फैसला क्यों बदल रहे हो, अब चलो कहीं और चलते हैं, वहाँ से दिलाते हैं। खैर जनाब, ये सब होता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के चले कपड़े ही देख लेती हूँ कुछ, तो यहाँ पे घर में पहनने के लिए जस्ट कैजुअल कपड़े, क्योंकि जो है मैंने शिफ्टिंग में ये किया कि जितना भी मतलब यूज़लेस जितना भी सामान था ना, समझेंगे जो मेरी यूज़ में नहीं था, ऐसे कपड़े जो मैंने साल डेढ़ साल से बच्चों ने नहीं वेयर किए या मैंने वेयर नहीं किया, पूरे साल भर अगर मुझे उनका हो चुका है और मैंने नहीं इस्तेमाल किए तो मैंने डोनेट कर दिया कि भाई यार किसी के काम ही आ जाए ना, बजाय इसके कि आप अपने पास रख रख के उसको जो है जमा कर करके जो है और यूज़ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने इतना सारा अपने पास रखा हुआ भी है। तो मैंने जो है इस बार उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डोनेट कर दिया। इनफैक्ट मैंने बच्चों से भी काफ़ी टॉयज़ होते हैं वो डोनेट करवाए, मैंने कहा बच्चों नहीं डोनेट कर दो, क्योंकि हमें जो है ना जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी चीज़ें रखो, इससे ज़्यादा रखोगे ना तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं। अच्छा, बच्चे बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं ना, उनको जब मैंने समझाया तो लिटरली उन्होंने बस फ़ौरन ही चीज़ को पिक कर लिया। एंड इवन माई यंगर डॉटर, शी डोनेट अ लॉट ऑफ टॉयज ऑफ हर्स जो उसे बहुत पसंद थे, बहुत शौक से खेलती थी, बट आई वॉज लाइक लेट इट डोनेट, क्योंकि तुम और ले लेना। और हमारे घर में एक हेल्पर होती थी, उनकी बेटी थी, तो मैंने कहा उनको दे दो, वो खेलेंगी, उनको कुछ मिल जाएगा। तो समझ में आ गई उसने कहा हाँ ठीक है आप दे दें। और मैंने कहा अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम टॉयज़ वगैरह से ना खेलो, टॉयज़ से छोटे बच्चों को खेलने दो। तो बस ये कि बच्चे बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं और पिक कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। खैर, मज़े की बात ये हुई कि जो है ना डोनेट करने के बाद जो है ना ये लोग बड़े रिलैक्स्ड हैं। और अब ये कि कुछ मेरा वैसे ही ये था कि अब बच्चे जो है ना थोड़े बड़े हो गए हैं तो इनको जो है ना अब थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करूँ, बिकॉज टॉयज़ जो है ना वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहते हैं। और लिटरली सीरियसली इतने टॉयज़ ना लेने भी नहीं चाहिए, सच बहुत मैस होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर जी, मेट्रो के बाद हम चले गए थे, हम जो है बेकरी से, हस्बैंड ने पैटीज लिए, केक लिया, और क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और क्योंकि अभी तक वॉल क्लॉक्स हमारे यहाँ लगे नहीं है तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अभी क्या टाइम हो रहा है और क्या टाइम नहीं हो रहा है, मोबाइल में टाइम देख रहे होते हैं और जब टाइम नहीं देख पाते हैं तो लेट हो जाते हैं। और मौसम देख लें आप लोग, कितना कोई प्यारा हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और हेल्पर जो है वो मैंने रख ली है, और ये जो डर्टी किचन है मेरा और यहाँ पे जो है वो डिश वॉशिंग करके चली जाती हैं, ये सारी चीज़ें अभी ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इन सब को ऑर्गेनाइज़ करना है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर जनाब, ये जो है सामान लेकर आए थे बच्चे पेंटिंग का, और उसके बाद रात में उन्होंने खूब पेंटिंग की, खूब स्केचिंग की और बहुत इन्जॉय किया, बच्चे काफ़ी बिजी हो गए। और उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल की भी जान छोड़ दी और मुझे इस चीज़ का बड़ा खुशी और सुकून मिला। मैंने कहा चलो मेरा मोबाइल तो मेरे पास आया, मैं भी कुछ वीडियोस वगैरह बना सकती हूँ।
तो ये देखें आप लोग के बच्चे जो है ना बहुत मसरूफ़ हैं और बहुत जो है ना अपनी स्केचिंग में, पेंटिंग में, एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। और ये कलर्स जो होते हैं ना, जब बच्चा पेंट करता है, स्केचिंग करता है, तो इतने सूदिंग और रिलैक्सिंग होते हैं ना, बच्चे इतने कोई रिलैक्स होते हैं। से इवन मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी जो है ना कुछ इस तरह का काम स्टार्ट कर दूँ। तो हस्बैंड मेरे कहने लगे, तुम जितना वो हो रही हो ना कि बस मुझे भी करना है, तो ऐसा है कि तुम अपने लिए भी कुछ सामान ले लो, तुम भी पेंटिंग करना। मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। ये कैनवस पे अजान ने गैलेक्सी बनाई थी और जो है इसको मज़ीद पूरा कवर कंप्लीट करने का इनका इरादा है, अभी किया नहीं है इन्होंने। और वो रोज़ कुछ ना कुछ प्लान करता है, फिर करता है शेड्स मिला के कुछ ना कुछ। और भी मज़े की बात ये हुई कि इनको जो है पेट मिल गया है। गली में ये खेलने गए तो इनके पास एक छोटा सा बच्चा जो था बिल्ली का, वो आया तो उन्होंने उसको प्यार किया और उसको उठा के घर में लाया। और उसके बाद उसको दूध पिला रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। और बेचारा भी स्ट्रे कैट थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका कोई ओनर नहीं था। हमारे यहाँ तो स्ट्रे कैट्स बहुत होती हैं। तो जो है ना, अच्छा मुझे ना कोई कहने लगा कि आप जो है ना ऐसे किसी बिल्ली को ना पालें, आप जो है ना प्रॉपर ख़रीद के लाएँ। यार आप 10-10, 12-12 हज़ार की बिल्लियाँ ख़रीद रहे हो, इट्स बेटर कि आप स्ट्रे कैट्स जो है ना उनको पैट कर लो। बस हाँ, आप उनको डॉक्टर से चेक करवा लो अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वैक्सीनेशन करवा लो, उनकी प्रॉपर नेल्स ट्रिम करवा लो। लेकिन मतलब क्या मतलब है यार, इन लोगों का हक नहीं है कि ये लोग भी अच्छी लाइफ गुजारें और या फिर ये सड़क पे मरी हुई पड़ी हुई होती हैं और इस तरह की लाइफ गुजार रही होती हैं। तो मैंने कहा हस्बैंड से कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कोई लाने की, बस हम जो है इसी को जो है रखेंगे। और जो है ना बच्चे मेरे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्जॉय कर रहे हैं। तो बस जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, और जो है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ इन्होंने घर बनाया है बिल्ली का और जो है ना उसको दूध रख के दिया है। अच्छा हमें पता नहीं था कि बिल्ली को जो है ना दूध नहीं देना होता। ये किटन है, दो माह का किटन है, टू मंथ्स ओल्ड है, तो हमें पता नहीं था। तो फिर मेरी एक भाभी, मैंने उनसे पूछा तो शी सेड कि नहीं आपने मिल्क नहीं देना, जस्ट वाटर एंड चिकन। तो मैं अब वही कर रही हूँ। और ये रात हो गई, इन लोगों को खेलते खेलते रात हो गई और इन लोगों का शौक पूरा नहीं हो रहा है। और जो है ना बच्चे खूब माशाल्लाह से मसरूफ़ हो गए, तो कम्प्लीटली मेरा मोबाइल छूट चुका है, अब मेरे हाथ में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पेड भी मिल गया, पेंटिंग का सामान भी मिल गया। खैर जनाब, ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आए। पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैंस एंड फैमिली। और जो है मैंने बनाया था ज़रदा, और ज़रदा मैंने नेबर्स में भिजवाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।